तो दोस्तों चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं सोनपुर मेला का सबसे जो खास होने वाला है एक्वेरियम, जिसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियां और बहुत तरह की मछलियां देखने को मिलेगी आपको। तो चलिए चलते हैं एक्वेरियम में और आपको दिखाते हैं पहले एक्वेरियम का व्यू। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये एक्वेरियम और इसका व्यू आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा है, जो कि दोनों तरफ मतलब ऐसे बना हुआ है, राउंड शेप में ऐसे कर्व है और दोनों तरफ मछली ही मछली रखा हुआ है और एक से एक तरह का मछली है। चलिए आइए आपको दिखाते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है मछली। देखिए ये मछली देख सकते हैं, इसका कितना बड़ा जो कि इसका चोंच है, जो मुंह बोल सकते हैं सब, और कुछ इस प्रकार का भी है। वैसे इसके अंदर कुछ खाने पीने का भी सामान रखा हुआ है मछलियों का, चावल के जैसा फील हो रहा है। और यहाँ पे देखिए मछली को, ये कितना बड़ा मछली है दोस्तों। इसको अगर आप बित्ता से नापेंगे ना तो देखिये 1, 2, 3, 4 और 5, ये जो मछली है ये 5 बित्ते का मछली है। और बताइए नवीन, आपको कैसा लग रहा है मछली देख के? बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, अच्छा लग रहा है। और इसका जब मेला शुरू हो जाएगा तो देखने आइएगा। हाँ आऊंगा। चलिए ठीक है, और इधर है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मछली, दो मछली है, इतना बड़ा बड़ा दो मछली है। और साथ में यहाँ पे देखिए ये वाटर फिल्टर वाला जो मशीन लगा हुआ है, इसी से मछली की जान जो कि बची हुई रहती है, देखिए कितना प्यारा है। और यहाँ पे देखिए इस तरफ ये मछली देखिए कैसे चल रहा है पानी में, मतलब तैर रहा है। और पीछे जो कि बना हुआ है वो लग रहा है जैसे दीवार की तरह जो बना हुआ है ना। और देखिए इसका चोंच कितना, मतलब ये बहुत ही प्यारा है। लेकिन ये मछली देखिए ये कितना खतरनाक है दोस्तों, देख सकते हो। वैसे ये सब अभी सोया हुआ है लगता है, सोया हुआ होगा या मर गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो कितने प्रकार का मछली है क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मछली, और करीब करीब यहाँ पे 5-6 प्रजाति का मछली है। और यहाँ पे देखिए पानी फिल्टर हो रहा है, आगे चलिए। और इस तरफ आप लोग देख सकते हैं, इस तरफ कितना औसम लग रहा है। और ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ये व्हाइट मछली कितना प्यारा लग रहा है, देखिए ये व्हाइट वाला कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे ये देखिए ये सब का नाम भी मेरे को नहीं पता है, बट ये सब बहुत प्यारा लगता है देखने में, देखिए एक्वेरियम के अंदर। और जब इसका साफ सफाई होगा और ये जब पूरा तरह से बन के तैयार होगा ना दोस्तों, इतना अच्छा लगेगा जिसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ से लेके और यहाँ तक का एक अलग जोन बना हुआ है जिसके अंदर इतनी सारी मछलियाँ तैर रही है। और बाकी वो जो बड़ा बड़ा मछली था वो सब शायद सोया हुआ था या मर गया था, उतना मतलब उतना कंफर्म नहीं है। बट यहाँ पे देख सकते हैं एक मछली जिसका कलर देखिए दोस्तों कितना ऑसम लग रहा है, देखिए देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और पता नहीं चल रहा है कि ये सब कौन प्रजाति का मछली है। बाकी आप लोग देख सकते हैं ये शंख, मतलब जो समुद्र के अंदर पाया जाता है मोती और पत्थर, वही सब इसके अंदर रखा हुआ है। देखिए ये पानी इसके अंदर, एक्वेरियम के अंदर ये पानी इससे भरा जा रहा है, और इसके जो कि अंदर बहुत सारा पानी भरता है, इसका क्षमता कितना है और यहाँ का भी वर्कर नहीं है, नहीं तो पूछते उससे। मछली कुछ लेके खा रहा है, देखिए यहाँ पे ये देखिए मुंह में कुछ रखे हुए है, देखिए देख रहे हैं दोस्तों, मतलब लग रहा है जैसे लाल रंग से रंगा हुआ है। देखिए आधा रंग इसका झड़ चुका है ना, आधा ही रंग है इसका लाल। इसके ऊपर जो आप लोग देख रहे हैं ना दोस्तों, ये जो एल्बेस्टर देख रहे हैं ये पूरा ढक जाएगा, और ऐसा ही जो कि दीवार जो दिख रहा है पानी के अंदर वही दीवार आपको दिखाई देगा, ताकि एकदम मतलब पता चले कि हम लोग समुद्र के अंदर में मछलियों की सैर कर रहे हैं। एसी का भी विंड दिया गया ताकि गर्मी जब हाई हो तो यहाँ पे गर्मी को कंट्रोल किया जा सके। देखिए यहाँ पे एसी लगा हुआ है, और यहाँ पे देखिए छोटा छोटा मछली कितना, मतलब एक सेक्शन दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ, इसके अंदर जो है ना एक सेक्शन बना हुआ है कि पहले बड़ा मछली, फिर उसके बाद छोटा मछली, और फिर उससे भी छोटा मछली। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये किस प्रजाति का मछली है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये किस प्रजाति का, मुझे नहीं पता है क्योंकि रंग बिरंगा मछली इसके अंदर है। और यहाँ पे देखिए एक मछली, ये जो है ना जिंदा है, लेकिन ये यहीं पे अपने जगह पे है, और ये शायद चावल है, चावल को पीस के और इसके अंदर रख दिया गया। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना अच्छा व्हाइट मछली, देखिए देखिए पूरा व्हाइट है। यहाँ पे उससे भी छोटा छोटा मछली, देखिए यहाँ पे बहुत छोटा छोटा मछली है, जैसा कि यहाँ पे एक्वेरियम के अंदर एक वर्कर मिले हैं जो कि भैया केरल से बता रहे हैं। भैया आपका नाम क्या हुआ? शरद। क्या? शरद। शरद, शरद नाम हुआ। भैया बता सकते हैं कि ये कब तक एक्वेरियम पूरा तरह से रेडी हो जाएगा बन के? अभी तो 4-5 दिन में पूरा रेडी हो जाएगा। 4-5 दिन में रेडी हो जाएगा। और आपको इसके अंदर काम करके कैसा फील हो रहा है? क्या है? अच्छा लग रहा है। अच्छा तो लग और रहा ये मछली का नाम बता सकते हैं आपको? क्या? अरब इमार। अरब इमार, अरब इमार, अरब पैमा, पैमा, अरब पैमा, अरब पैमा। ये कहाँ पाया जाता है? ये तो पूरा बाहर का है, ये तो अमेज़न फिश है, सिर्फ अमेज़न रिवर में होता है ये। और भैया बता सकते हैं इसका टिकट फेयर?
टिकट फेयर तो 100 होगा, और जैसा कि भैया बता रहे हैं मतलब 100 रुपया टिकट फेयर होगा। तो चलिए, और इसके अलावा और बना हुआ है ना? हाँ, वो साइड में। हाँ, तो कितना सेक्शन और है? तो दो राउंड ये एक्वेरियम है। अच्छा, ये टनल एक और दो एक्वेरियम बना है। तो जैसा कि बता रहे हैं, ये जो बना हुआ है टनल और इसके अलावा दो और एक्वेरियम बना हुआ है। तो चलिए आपको चलते दिखाते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं एक्वेरियम के अंदर, जिसके अंदर आप लोग को एक बॉक्स में शीशा में रखा हुआ मिलेगा बहुत अच्छा अच्छा छोटा छोटा फिश। तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं। तो पहला एक्वेरियम ये देख सकते हैं, और एक्वेरियम का मतलब आप लोग दोस्तों समझ में आ गया होगा। एक्वेरियम ये होता है कि आप लोग शीशा में ऐसे बंद करके, आप लोग घर में भी बहुत सारे लोग होता है जो घर में एक्वेरियम लगाते हैं, तो इस तरह का एक्वेरियम, बड़ा बड़ा एक्वेरियम यहाँ पे मिलेगा, जिसके अंदर आपको काफी सारे फिश देखने को मिलेगी। जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये एक्वेरियम में पानी ऐसे नहीं भरा हुआ है, ना मछली है ना पानी है, बट यहाँ पे पत्थर वगैरह रखा हुआ है। और चलिए आइए आगे देखते हैं। और ये है दूसरा एक्वेरियम, जिसके अंदर भी कुछ भी नहीं है। और तीसरा एक्वेरियम, यहाँ पे पानी भरा जा रहा है, देख सकते हैं आप लोग। और इसमें मछली कब तक रखाएगा? 25 को। और जैसा कि इसके अंदर जो कि मछली 25 तारीख को डाला जाता है, 25 तारीख को डलाएगा, और 25 तारीख से ही इस मेला की शुरुआत होने वाली है। तो आप लोग आना ना भूलिए, जरूर आइए सोनपुर मेला, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये देखिए, ये हो गया चौथा एक्वेरियम ना। पास से आपको दिखाते हैं कितना सुंदर एक्वेरियम है, देखिए दोस्तों। और इसके साथ इस तरफ जो कि ये भी बना हुआ है दीवार, इसके उधर एक और एक्वेरियम है, तो आइए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं थर्ड एक्वेरियम, जो कि आप लोग देख सकते हैं सेम टू सेम उसी प्रकार का है बना हुआ ये एक्वेरियम। और दोस्तों, जब आप लोग टिकट लेंगे ना इसका, तो दो एक्वेरियम के अंदर से आपको क्रॉस करना होगा, और एक टर्नल बना हुआ है जो कि काफी अच्छा होने वाला है, पैसा वसूल होने वाला है। और चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे मछली का संग्रह कहाँ पे किया गया है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, हम लोग जिसके ऊपर, जिस ये छोटा छोटा टैंक के ऊपर चढ़ गए हैं, स्पार्मिट टैंक है छोटा छोटा, जिसके अंदर अभी पूरा में पानी नहीं भरा हुआ है, बट जिस चीज में पानी भरा हुआ है वो सब में मछली रखा हुआ है। चलिए आपको दिखाते हैं ये सब मछली को कैसे रखते हैं, और कैसे मछली को उससे उठा के और उसके अंदर लेके जाते हैं। यहाँ पे देखिए, मछली को उठाने वाला एक जाल बना हुआ है, और इसके थ्रू मछली को ऐसे पानी से निकाला जाता है, और पानी में ही ऐसे रख के एक्वेरियम के अंदर लेके जाया जाता है इस चीज के द्वारा, मतलब ये मछली मारने वाला है। चलिए इसको हम रख देते हैं, और उधर चलिए आपको दिखाते हैं जिसके अंदर बुलबुले चल रहे हैं, पानी का बुलबुला उठ रहा है। देखिए ये देखिए, पानी का इसके अंदर बुलबुला उठ रहा है, और इसको साफ सफाई भी किया जाएगा, बहुत गंदा पानी है, पहले इसका साफ सफाई होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, इसको साफ कर दिया गया है, और साफ करने वाला वहाँ पे लगा हुआ है, आपको चलिए दिखाते हैं साफ करने वाला सिस्टम जो है कि। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो एक छोटा सा वाइपर है वहाँ पे देखो पानी में, वो छोटा सा वाइपर है, एंड वहाँ पे मशीन लगा हुआ है, देखिए इसके द्वारा जो कि यहाँ का पानी का जो कि साफ सफाई हो रहा है। आप लोग देखना चाहते हैं एक्वेरियम, तो आप लोग आइए सोनपुर मेला में, डिज्नीलैंड का जो कि जोन बना हुआ है, जो कि हरिहर नाथ का जो कि मेन प्रवेश द्वार है वहाँ पे लगता है, डिज्नीलैंड का मतलब डिज्नीलैंड जोन लगता है, जहाँ पे काफ़ी सारे झूला आपको मिलेगा, वहीं पे आपको मिलेगा एक्वेरियम। वैसे हम लोग एक बार और देखने के लिए आएंगे। वैसे आप लोग इस पे 500 लाइक करते हैं, तो एक बार फिर से मैं इसका कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये एक्वेरियम कैसा लगा। वैसे मेरे को बहुत अच्छा लगा, आप लोग आइए विजिट कीजिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।